तेरी होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। तुम लड़कियों का मसला क्या है? बहुत शौक होता है तुम लोगों को मजलूम बनने का। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों से मासूम इस दुनिया में और कोई पैदा नहीं हुआ कभी? मेरी एंगेजमेंट टूटने से आपको खुशी हुई? जाहिर है, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे पसंद आते हैं। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मेरे पास रहे। तो अक्सर आपने अभी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, 8-5 ज्यादा से ज्यादा 1 साल। तुम्हें पता है ये लोग फ्री होम डिलीवरी भी करते हैं। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि खाना जो है ना वो घर पे डिलीवर करा लेना चाहिए था। ना तुम कुछ बात कर रही हो, ना कुछ बोल रही हो। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लेकिन तुम्हें साकिब को भूलना होगा, वो शादी कर रहा है। तुम मामा का क्यों अपने आप को हर्ट किए जा रही हो? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसे भूल पाऊंगी। मैं हूं ना, देखना तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे भूलने में। तो कब करें हम लोग शादी? तुम क्या कह रही हो? हाँ, शादी कब करें? I mean, really? साकिब जी, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि उस दिन मैंने सायरा को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। गलत किया तुमने, इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। आखिर को उसी के पास जाना है तुम्हें, इतना मत सोचो। वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। जरा एहतियात किया करो। अच्छा देखो ये सूट, जरा ट्राई तो करो, देखो कैसा लगता है। बहुत अच्छा है, आई लाइक दिस कलर। आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। और देखना, जब कल तुम इसे पहनोगे ना, इतने अच्छे लगोगे, ऐसा दूल्हा किसी ने नहीं देखा होगा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसी सास भी किसी ने नहीं देखी होगी। खबरदार जो मुझे सास कहा। मैं ट्राई कर लेता हूँ। जाओ ट्राई करो। एक चीज, शफ़ाक़त मेरी जिम्मेदारी है। जीते रहो बेटा। ये फारूक तो बहुत काम का आदमी निकला, झट से तुम लोगों के पासपोर्ट बनने के लिए दे दिए। मुझे भी यही कह रहा था कि जल्द ही पासपोर्ट आ जाएंगे। कभी कभी सोचती हूँ कि सारा की पसंद ही ऐसी है या फिर उसके नसीब में ही ऐसे लोग लिखे हैं। अल्लाह दोनों को बहुत खुश रखे। देखो भाई, जब तक तुम्हारा और आमिर का वीजा नहीं लगता ना, तुम इन दोनों का निकाह करवा दो और इस फर्ज से आजाद हो जाओ। हाँ, मैं करूंगी बात सायरा से। आप बस अपना ख्याल रखिएगा, ये भी कोई आना हुआ भला मेहमानों की तरह। थोड़े दिनों की बात है, तुम्हें बुला रहा हूँ ना वहां पर,
फिर दुबई में रहेंगे हम, ठीक है? हाँ। अपना बहुत ख्याल रखना और इस शहजादे का भी। सारी चीजें डाल दी ना? सब पैकेट। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ध्यान रखना घर का भी। एयरपोर्ट पहुंच के फोन कीजिएगा। माशाल्लाह, क्या रूप चढ़ा है ना मेरी बच्ची पर। आज तो तुम्हें ना नजर भर कर देखने से भी डर लगता है। खुदा तुम्हें नजर बंद से बचाए। गुल बीबी, रो क्यों रही हैं आप? तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए बस। आज बीबी जी आए। माशाल्लाह, खुश है ना? ये भला क्या सवाल हुआ? इसी दिन को देखने को तो जी रही थी मैं। कितना हसीन पल है और कितनी हसीन लग रही हो तुम तो। आज तो मुझे लगता है कि चांद भी तुम्हें देखेगा तो शर्मा जाएगा। बल्कि कोई भी मेरी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि मेरी बेटी दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। मामा, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है। कैसा प्रॉमिस? आप आज के बाद कभी रोएंगी नहीं। मैं रो थोड़ी रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है पगली। डायलॉग। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पट्टी बांध कर मैंने गलती से तुम्हें पॉइंट आउट किया था। और आपकी वो गलती मेरे लिए क्या थी मैं आपको नहीं बता सकती। तुम्हें याद तो होगा कि मैंने क्या कहा था। वही बात मैं आज आपको कहती। आपको ढूंढने के लिए मुझे भी आंखों की जरूरत नहीं। धीरे धीरे से मन के आंगन में घटा छा जाए, दिल के सहरा में यूं चुपके से चुपके से बाहर आ जाए। जाए बहुत देर हो गई है। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं। कुछ तो है साकिब, कल सायरा आपसे, खुदा के लिए उसको जहन से निकाल दो, हमारी शादी हो गई। शादी हो चुकी है साकिब, इसीलिए पूछ रही हूँ। वो मेरे मना करने के बावजूद मेरी शादी पर आए। क्या कह रही थी आपसे? शफक कुछ नहीं कह रही थी वो। अगर कुछ नहीं कह रही थी तो आप कॉलर लेकर क्यों आई? शफक तुम जानती हो, वो मेरी मंगेतर रह चुकी है। रह चुकी है? मैं आपकी बीवी हूँ। शक कर रही हूँ? शक नहीं कर रही साकिब, लेकिन आप प्लीज मुझे बताएं कि वो आपसे क्या कह रही थी। मैंने उसे देखा था रुखसती के वक्त, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका एक्सप्रेशन देखकर मुझे लग रहा था कि वो मुझे चैलेंज कर रही है। उसने हमेशा तुम्हें कॉम्प्लेक्स में रखा है, इसलिए तो वो हमेशा जीतती आई है। मैं सोच नहीं रही, मैं तो बस। ऑब्वियसली तुम सोच रही हो, हमेशा से सोचती आई हो। तुम मुझे ये बताओ, मैं क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने से मना करने की? क्या मतलब? आपको बुरा लग रहा है कि मैंने उसे मना कर दिया? मतलब ठीक बात तो नहीं है ना, तुम्हारी बचपन की दोस्त है वो, यहाँ पे आ सकती है कभी कभार, आ जाएगी तो उसका हर्ष क्या है? साकिब, मेरी बचपन की दोस्त आपकी मंगेतर रह चुकी है, मैं उसे किसी सूरत इस घर में नहीं आने दूंगी। ठीक है, गुस्सा नहीं करना, मैं उसे मना करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं मना कर चुकी हूँ उसे, टेक्निकली उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। सफर, तुम कसम खाए मेरी के बाप उससे कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज यार, ग्रो अप प्लीज। साकिब आप मेरी कसम खाए। अच्छा भूख लग रही है, नाश्ते करा रही हूँ, जाके फ्रेश हो लगवाती हूँ। अच्छा तो निकाल ली तुम्हें अपने दिल की भड़ास? ऐसे नहीं निकलने वाली मेरी दिल की भड़ास, देखना मैं बदला लेके रहूंगी। अरे तुम तो बहुत डेंजरस हो भाई, बच के रहना पड़ेगा तुमसे। कहते हैं जख्मी शेरनी और जख्मी औरत से हमेशा बच के रहना चाहिए, हमेशा बदला लेके रहती है। ये तो है वैसे। तुमने शादी का नहीं बताया? शादी हाँ कर लेंगे ना शादी। क्यों? पीछे तो ऐसे पड़े थे जैसे घर के बाहर बारात लेके खड़े हो। देखो बॉस मलेशिया गए हैं, बॉस आते हैं तो शादी कर लेंगे। कब आएंगे तुम्हारे बॉस? अरे आ जाएंगे ना, आएंगे तो बता दूंगा तुम्हें। दूं हरी, लो ड्रिंक लो अपनी। क्या हुआ भाई? नहीं खामोश क्यों बैठे हो? नहीं कुछ भी नहीं, वैसे वो एक्चुअली रात ये बातें करके मेरा सर खा गई, तो मैंने सोचा इस वक्त हमें खामोश ही बैठना चाहिए थोड़ी देर। अच्छा मैं बोल रही थी रात को हा? खुद सारी रात मेरी झूठी तारीफें करते रहे, बक बक बक। अरे शफक देखे जरा, अब अभी अभी शादी हुई और अपनी बेटी का रवैया देख रहे हैं मेरे साथ कैसा है। अरे भाई जो कुछ भी है, मेरा तो बस ये दिल चाहता है कि तुम दोनों खुश रहो, आपस में हंसो बोलो। खामोश होते हो ना तो मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। और कोई झूठी तारीफ नहीं की थी मैंने, सच तो बोल रहा था मैं। अच्छा अखबार छोड़े, चाय पी ले। ठंडी हो रही होगी, आप पियेंगी? नहीं बेटा अखबार देख, कोई बुरी खबर ही पड़ेंगी और क्या। तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फारूक के साथ लंच पे गई थी, क्यों क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या मतलब, इतनी देर हो गई और कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारी नजर में। अच्छा फारूक से कब मिलवा रही हो मुझे? क्या मतलब है कब मिलवा रही हो?
तुमने मुझे उसे खुद मिलवाया था, तुम क्यों उसे मिलना चाहती हो? क्या मतलब है क्यों मिलना चाहती हो? मुझे उससे शादी की बात करनी है, कब करनी है, क्या करना है, किस तरह करना है, ये सब मैं ही तो पूछूंगी। तुम रहने दो ना, मैं बात करके आ चुकी हूँ। कुछ ही अरसे में हम दोनों निकाह करेंगे, पासपोर्ट बनने के लिए जाएगा, फिर वीजा प्रोसेस में जाएगा और फिर मैं दुबई से शॉपिंग करते हुए अमेरिका जाऊंगी। तुमने ये सारी बातें खुद कर ली? हाँ जाहिर है, तुमने मुझे खुद ही तो कहा था, वो अमेरिका में पला बड़ा है, फास्ट फॉरवर्ड टाइप का लड़का है, तो मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी है निकाह करो ताकि मैं भी अपनी पैकिंग शुरू करूँ, मेरा ध्यान तुम्ही में लगा हुआ है। हाँ तुम फिक्र मत करो। अजीब बातें कर रही हो, फिक्र क्यों ना करो, निकाह के बगैर यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम। देखो उसके बॉस आ जाए उसके बाद निकाह भी हो जाएगा, वो खुद भी अभी फंसा हुआ है इस वक्त। अब उसके निकाह से बॉस का क्या ताल्लुक है? देखो उसके बॉस ने उसे बेटा बनाया हुआ है, वो कह रहा था कि वो कोई भी काम उनसे पूछे बगैर नहीं करता। वैसे तो वो शादी के लिए इतना पीछे पड़ा था जैसे कल ही कर लेगा, और अब जब सब कुछ तैयार है तो टाल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही उसकी ये बात। तो बाबा हो जाएगा ना निकाह, उसके बॉस आ जाए दो चार दिन तक, सब कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे सायरा के बारे में कोई बात करनी है तो प्लीज, अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं पूछ रही मैं, लेकिन मुझे बस इस बात का यकीन दिला दे कि मैंने आपसे शादी करके कोई गलत फैसला नहीं किया। मुझे ये यकीन दिला दे कि मैं आपके और सायरा के बीच नहीं आई। क्यों ऐसा सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो सायरा की आदत है ऐसी बातें करना, वो जानबूझ के ये सब कर रही है क्योंकि उस दिन तुमने उसकी बेइज्जती की थी इसलिए। आपने भी तो कहा था उससे कि वो दोबारा यहाँ ना आए। अगर वो हमारी शादी पे आई, उसने सबके सामने आपको। प्लीज शफ़क, उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे, वो यही चाहती थी तुम्हारे तुम्हारे दिल में शक डालना चाहती थी, तुम्हारे जहन में ये बातें डालना चाह रही थी और वो अपने मकसद में शायद कामयाब हो गई है। देखो शफक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं यही सोच सोच कर कंफ्यूज होती हूँ साके, जिस शख्स ने सायरा जैसी लड़की से प्यार किया वो मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है? कहीं आप मुझ पे रहम खा कर दो। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम पे रहम क्यों खाऊंगा? क्या कमी है तुम्हारे अंदर? कमी है साकिब, ना ही मैं सायरा जितनी हसीन हूँ और ना ही मेरी हालत ठीक है। चार कदम चलती हूँ तो थक जाती हूँ, सारी जिंदगी भी संवरती रहूं ना तो मैं सायरा जितनी खूबसूरत नहीं हो सकती। नहीं शफक, प्लीज ऐसा मत सोचो, तुम्हारा दिल तो खूबसूरत है ना, बोलो। और तुम्हारे दिल का ही नूर है जो तुम्हारे चेहरे से नजर आता है, सेहत और हालत सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। कम से कम तुम में लालच जैसा मर्ज तो नहीं है ना, जिसका कोई इलाज नहीं है? तुम जानती हो शफा,
आपको चाहे किसी से जितनी भी मोहब्बत हो, लेकिन अगर वो शख्स एक बार आपके दिल से उतर जाए ना, तो फिर अपनी जगह वापस नहीं बना सकता। तुम यकीन करो, सायरा मेरे दिल से उतर चुकी है, दिल में अब सिर्फ तुम हो। मेरा दिल सायरा की जगह तुम्हारे नाम की माला जपता है। हेलो शफाक, तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती सायरा? अरे अरे, ना सलाम ना दुआ, इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हूँ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक हो या ना हो, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम चाहती क्या हो? मैं तो शुरू से ही साकिब को चाहती थी, और तुम तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो। सायरा, मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था कि तुम्हारे और साकिब के बीच कुछ है या नहीं, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है। मेरे और साकिब के बीच में तो तुम हो। देखो, मुझे लगता था कि मैं उसे भूल जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं भूल पा रही साकिब, और मुझे यकीन है कि वो भी मुझे नहीं भूल सकता। पता, तुम्हारे गुस्से को देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी पता है कि साकिब मुझे नहीं भूल सकता, मुझसे ही प्यार करता है। तुम क्यों मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने पर तुली हुई हो सायरा? सॉरी शफाक, लेकिन पता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता साकिब को किसी और लड़की के साथ देखना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा इस सच के सहारे जिंदगी गुजारना कि तुम्हारा शोहर किसी और से मोहब्बत करता है। तुम सायरा के बारे में सोच चुकी हो तो एक बात पूछूं तुमसे। आपसे किसने कहा कि मैं सायरा के बारे में सोच रही हूँ? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। शफा, एक बात बताओ मुझे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो वक्त हम फजूल बातों में जाया कर रहे हैं, हमें प्यार भरी बातों में गुजारना चाहिए? नहीं, मैं तो सारी जिंदगी इन लम्हों के लिए तरसी हूँ साकिब, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि ये वक्त मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। तो ठीक है, फिर सारी फिक्रें छोड़ दो, अब हम दोनों एक हो चुके हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, मामा ने कल आपको फैक्ट्री बुलाया, कह रही थी कोई जरूरी काम है। सायरा नहीं तो मम्मी, किसी ना किसी को तो आना ही है बीच में। सायरा को तो खैर मैं कभी भी बीच में नहीं आने दूंगी। ये हुई ना बात। आंटी, मैं आपसे मिलने फैक्ट्री जा रहा था, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? खैरियत? ये क्या है? हमारा वादा, डील हुई थी ना तुम्हारे साथ। आंटी, ये डील तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब आपने मुझे अपना बेटा बनाया था। मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन सायरा को है। लेकिन मुझे सायरा की जरूरत नहीं है। आंटी, मैं ये नहीं जानता कि शफक मेरी जिंदगी में कब तक है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सायरा दूर दूर तक अब मेरी जिंदगी में नहीं है। उसने मुझे इस्तेमाल किया,
आदत पता नहीं क्यों वो मेरी जिंदगी को तबाह करना पड़ रही है। तो दे दो उसे ये, हो सकता है ये मिलने के बाद वो हरगिज नहीं, पतन नहीं, ये सब कुछ शफक का है और शफक का ही रहेगा। मुझे इसकी खत्म जरूरत नहीं है, प्लीज। क्या मुसीबत है? क्या बात है, बड़े गुस्से में? शफक से कोई लड़ाई हुई है क्या? गुस्सा तो सिर्फ तुम पे आ सकता है, शफक के तो प्यार ही आता है। हाय, चलो अच्छा है, मरते हुए इंसान को खुशी दे रहे हो, तुम्हें अल्लाह इसका अजर जरूर देगा। तुमने ये बकवास सुनाने के लिए फोन किया मैं? नहीं, आज मूड कर रहा है कहीं बाहर जाके खाना खाऊं, सोचा तुम्हें साथ ले चलती हूँ। मैं नहीं आ सकता। साकिब क्यों बेचारी शफक की जिंदगी के पीछे हाथ धोके पड़ गए हो? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम उसकी खिदमत करो, उसके साथ वक्त गुजारो, लेकिन तुमने तो उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी है। क्या मतलब? साकिब तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम खुद सोचो, जब शफक को पता चलेगा कि उसे ट्यूमर है। मैंने तुम्हें उसके पास भेजा था। तुम्हें उससे कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि तुमने तो सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की। तौबा, मैं तो सोच सोच के रोन के खड़े हो रहे हैं। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन तुम अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर देना। हो सकता है कि शफक जिंदा रहे, लेकिन तुम मेरे हाथों मारी जाओ। अरे मर गए मारने वाले, मैं तो तुम पे मर लेती थी। खैर, आ जाना आज से 3 बजे, तुम्हारा इंतजार करूंगी। शफक बीबी आपके लिए गिफ्ट आया। गिफ्ट आया? कौन लाया? वो बोल रहा था कि साकिब साहब ने ऑर्डर किया। दिखाइए। वाओ, तो बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। मामा, मामा जी कमरे में है? मामा, मामा जल्दी बाहर आए। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कुछ ऑर्डर करो ना, पैसे बहुत है मेरे पास। क्यों, फिर किसी को बेच दिया तुमने? मैंने कभी किसी को नहीं बेचा, लोग खुद ही बेचते चले गए मेरी खूबसूरती के आगे। मैं तो खुद खरीदार हूँ, जिसके पास हर खूबसूरत चीज खुद बेचने के लिए आ जाती है, ऐसे खरीद लेती हूँ सब कुछ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है एक ऐसी लड़की का शोहर बनके जिसके बारे में तुम्हें पता है कि वो मरने वाली है? बिल्कुल शर्म नहीं आती? अल्लाह का डर नहीं तुम्हारे दिल में? जो मुंह में आता है हर किसी के बारे में बोल देती हो तुम। अल्लाह का खौफ है इसलिए अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, वरना तो कब का बता चुकी होती। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम्हें कोई मिल ही गया है तो फिर क्यों नहीं कर लेते उसे शादी? क्यों नहीं जान छोड़ती तुम मेरी? छोड़ दूंगी तुम्हारी जान, कुछ दिन मजे तो लेने दो। उठाओ फोन, कॉल रिसीव करो, वरना शफक का नंबर मेरे पास भी है। उठाओ। हेलो साकिब, मुझे कहना था थैंक यू। किस लिए थैंक यू? फोटो फ्रेम बहुत अच्छा है। मिल गया तुम्हें? हाँ आ गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरे मामा को भी दिखाया, बहुत खुश हो रही थी।
आप कब तक आ रहे हैं? वो हेलो शफक, कैसी हो? ओ, फोन बंद कर दिया, उसे शायद बुरा लगा। खुश हो गई तुम? सुकून मिल गया? थोड़ा बहुत। वीजा लग गया? हाँ, मेरा भी और आमिर का भी। बस अब तुम फारूक से कहो कि जल्दी से निकाह कर ले, मुझे जल्दी जाना है। चली जाना बाबा, यकीन करो वसीम भाई में इतने गट्स नहीं कि वहाँ किसी को फंसा ले। मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं और वो ऐसे हैं भी नहीं, मुझे तो बस उनकी सेहत की फिक्र है। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में भी वो बाहर से खाना खाते थे। तुम मेरी फारूक से तो बात कराओ, मैं उसका शुक्रिया ही अदा कर दूँ। बात करवा दूंगी तुम्हारी, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपनी तैयारी पकड़ो। फिक्र ना करो, अपने निगाह से पहले तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिक्र ना करो, बस यही रट लगा के रखी है तुमने। तुमसे ये काम नहीं होगा, मैं खुद ही फारूक से बात करूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हारा निकाह किए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। ठीक है। शफक, वो मैं साकिब, प्लीज कमरे से बाहर चले जाइए। शफक मुझे, आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आई, अभी प्लीज कमरे से बाहर चले जाइए। शफक प्लीज, वो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वसीम मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। तुम्हें और कितना वक्त चाहिए निकाह के लिए? देखिए, मैं सायरा को बता चुका, बॉस के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको नहीं पता वो किस किस वक्त में मेरे साथ रहे, मेरा सब कुछ वही है। देखो फारूक, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने बॉस की इतनी इज्जत करते हो, मुझे भी खुशी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तुम अभी निकाह कर लो, निकाह के बाद कोई दूसरी सेरेमनी करना बहुत धूमधाम से, जिसमें उन्हें बुला लेना, बल्कि उनके साथ साथ और लोगों को भी बुलाना। देखिए, आप शायद समझ नहीं रही हैं, मैं बॉस के बगैर हिल भी नहीं सकता। आपका पासपोर्ट जितनी जल्दी बना है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। और फिर दो तीन दिन के लिए उनकी नाराजगी मोल लेना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब। अच्छा, यानी बात बस दो तीन दिन की है? जी। तो ठीक है, इतना इंतजार तो मैं कर ही सकती हूँ। हेलो, क्या आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ, कैसे, वसीम कहाँ है? क्या हुआ, सब ठीक है? सारा वहां दुबई में वसीम का एक्सीडेंट हो गया है।
शफक, क्या बात है बेटा, ऐसी शक्ल बना के क्यों बैठी हो? खैरियत तो है? साकिब मुझसे प्यार नहीं करते, वो अभी भी सायरा को पसंद करते हैं मामा। ये तुम क्या कह रही हो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ही तो ठीक नहीं है मेरी, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पर समझ में नहीं आ रहा कि दर्द हो क्या रहा है। तो दवा ले लो बेटा। दवा है दवा आपके पास? मेरी इस तकलीफ के लिए दवा है आपके पास? बेटा ऐसी बात नहीं है कि साकिब तुम्हें पसंद नहीं करता, उसने तुम्हारी खातिर ही तो सायरा को छोड़ा। नहीं छोड़ा मामा, उन्होंने सायरा को नहीं छोड़ा। मैंने शाम को कॉल की थी तो सायरा के साथ थे। अच्छा तुम रो मत, वो आएगा तो मैं उसकी खबर लूंगी। लेकिन बेटा वो ऐसा नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करता है। नहीं, साकिब मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। बेटा मैंने कहा ना, वो आएगा तो उससे बात करूंगी ना, बस अब मत रो। मेरा सारा ध्यान तो है ही वसीम की तरफ, लेकिन वहां जाते ही मुझे इसकी फिक्र खाई जाएगी। ये यहाँ अकेली कैसे रहेगी फारूक? शफक ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है, तुम क्यों गए थे उससे मिलने? कैसे बताऊं मैं शफक को कि वो सायरा मुझे धमका रही है। देखना चाहती थी कि एक गरीब में और नीच में क्या फर्क होता है। आप ऐसा कौन सा सच जानते हैं मेरे बारे में